ये वाला ये वही प्लेन है जो कि बहुत सारे लोगों का पोपट बनाया हुआ है, और लोकल में रहने वाले जो मोस्टली बच्चे हैं, और इसलिए छोटे छोटे होते हैं प्लेन देखना है। ये बहुत दिनों से है डिपार्टमेंट से आता हूँ, उनको किसी ऑडिटोरियम की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम जो है अपना ही है ना, यानी एन सी आर सी से है ना। मेरा एक बदमाश दोस्त है, वो लेके आता है मुझे यहाँ पे खेलने के लिए, ये सब बढ़िया आइडिया। और कितना भी धूप हो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, दिन भर में 24 से 25 चाय अंदर जाना है तो जाना है। सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, हम लोग इससे पहले जो इंटरव्यू वगैरह वीडियो वगैरह करते आ रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिलेटेड, लेकिन आज मेरा मन हुआ है ना कि आपको पूरे के पूरे डिपार्टमेंट यानी गेट नंबर 8 से मैंने मिले सबको मैं दिखाता चलूँ। यहाँ पे पहले मैं फ्रंट वाला कैमरा बोल रहा हूँ, दिखाओ जी कि जी फिर जो वाला डिपार्टमेंट जो है उसको दिखाइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा फिजियोथेरेपी सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंस जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है। ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, यानी बीपीटी या एमपीटी जो लोग करते हैं उनके लिए। चलिए आप इधर थोड़ा चलते हैं इंजीनियरिंग की तरफ, लेकिन आगे आपके संस्कृत विभाग डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत यहाँ पे जो है वैसे कभी गए नहीं हम लोग, नॉर्मली कैस्ट्रो वाले या हाजिली वाले, सबसे कैस्ट्रो का हुआ है तो हाजिली से रहना पड़ रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है दीनदयाल उपाध्याय कौशलगंज, सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से जामिया में किसी के पास फंडिंग आता है इसी के पास में आता होगा, बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त है, अंदर जा भी आप देखोगे और सबसे पॉपुलर भी। हाँ मतलब सही है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कोई मसला भी नहीं है, भला आप इसी यूटी में चलाइए। लेकिन जब जामिया में था ये इसके लिए होता था क्या, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकलता था, और कोई भी बच्चे जब दिन का नहीं होता था और जामिया आना होता था ना तो वो लोग आराम से इजीली इसमें आ जाते थे। लेकिन फिलहाल ये सी यू टी के अंदर भी चला गया, ये तो नंबर ऑफ फॉर्म्स अच्छे खासे आने लगे। DDU का फलकन बढ़िया है, इधर हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा 33 डिग्री है ना अभी, हाँ 33 डिग्री टेम्परेचर, और इसमें अपना ये 110 डिग्री पे खोला हुआ चाय। और कितना भी धूप हो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, दिन भर में 24 से 25 चाय अंदर जाना है तो जाना है। ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इधर भी है थोड़ा सा बढ़िया देख सकते हैं, और ये इनका बॉडी है इंजीनियरिंग वालों का, थोड़ा साइड हो जाओ गाड़ी वाला, बढ़िया ये ऑडी है उनका। यहाँ पे सही बार आप लोगों को जब भी अभी कुछ दिन पहले सारिका सिंह इसी में आई थी ना, बट अभी आपका ये जितना भी कल्चरल फेस्टिवल होगा डिपार्टमेंट का, तो जिनके पास में अच्छा खासा बजट होता है इनके डिपार्टमेंट के पास, इनका प्रोग्राम यहाँ पर होता है। जैसे लैंग्वेज वालों का होता है, फॉरेन लैंग्वेज वालों का देखा जाए तो इनका प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर होता है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन मैं जिस डिपार्टमेंट से आता हूँ उनको किसी भी ऑडिटोरियम की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम जो है अपना ही है ना, यानी NCERC से। थोड़ा यहाँ पे फ्लेक्स करना ज़रूरी था है ना, ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कुछ भी कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर इनके पार्टिसिपेट करें। सैटरडे है तो यहाँ पे सब्जी सैटरडे वाले दिन क्लास होती है, और ये बैकरी रहा एंड कैफे, यहाँ पे ये बदमाशों का वो मिलता है यहाँ पे, यानी हेल मिलेगा आपको, और इसके बाद में एसपी मिलेगा, और आई थिंक रेडबुल भी है ना। तो मेरा एक बदमाश दोस्त है, वो लेके आता है मुझे यहाँ पे वो हेलने के लिए, ये तो बढ़िया है। और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी है, और ये जीरो आज बंद है, और यहाँ पर सामने कैंटीन, एक टाइम में यहाँ पर खाना बहुत बेहतरीन होता था, बट अब खाने वाने का नहीं देखा। इनका खाना वाना बेहतरीन होता था, कबाब पराठे मस्त देते हैं। अब यहाँ पे तो सुनने में जलेबी वाले भी सब मिल रहे हैं, मैं लगभग 1-1.5 महीना पहले आया था और सिर्फ रोटी खरीदा था यहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे खास। चलो यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं दिखाने के लिए, चलो दक्षिण तरफ से चलो, मतलब इतना भी गंदा नहीं है लेकिन हाँ टाइम वेस्ट करने का जगह, चलो थोड़ा सा आगे चलते। ये वाला है यहाँ पे बढ़िया कॉफ़ी मिलती है, जब आप जाने सही लगता है भाई, बढ़िया है ये क्या पवन मंथ लिमिटेड बार बार ये एरोनॉटिक्स है।
हाँ ये बी एस सी एरोनॉटिक्स देखिए ना, अब आपको दिखाता हूँ इससे रिलेटेड ना इनका जो प्लेन है, आप लोगों को दिखता होगा वहाँ पे, इनका ही लेना देना है इससे। तो ये गेट नंबर कितना है? एक एक है। और अभी फाउंडेशन डे आ रहा है, आई थिंक 13 खुला हुआ है, तो अब इसको नहीं खोलेंगे, अब तो कब खोलेंगे अभी सेवन का कुछ सही है, एग्जाम के टाइम पे आपको खोल दिया जाता है, ये अब मोस्टली ये बंद रहेगा, वो बस छोटे वाले गेट खोलते हैं ना, कौन ये वाले? हाँ साइड वाले, ये तो अभी डेली क्लासेस के लिए, हाँ पूरे का बात कर रहा हूँ, ये आइटम इस तरीके से 13 नंबर का होता है। तो हम लोग आप लोगों को एक ऐतिहासिक चीज जामिया का दिखाने वाले हैं, और इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, कटलाव से ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लोकल में यहाँ पे, बचपन में वो लोग क्या करते थे, अपने दोस्तों को पैसे लेते थे इकट्ठा करते थे, इसलिए एरोप्लेन देखने जाते, तो चार लोगों का ग्रुप है, तो दो लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाया इस तरीके से करके, उनसे 30-30 रुपया लेते, और वीडियो वो देख रहे होंगे मुझे पूरा वीडियो, और वो हंस भी रहे होंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, टेंशन मत लो, इतना पोपट किसका है, वो दो लोग मिलके बाकी दो लोगों से 30-30 रुपये इकट्ठा करवाते हैं कि एरोप्लेन दिखाने ले जा रहे हैं, फिर उनको स्कूटी पे बिठाते हैं, और स्कूटी पे बिठाने के बाद इसी रास्ते से लेके जाते हैं पहले पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल के लिए 25-25 रुपये इकट्ठे करके 100 की पेट्रोल भी डलवाते हैं, रिटर्न आके ये एरोप्लेन दिखवाते हैं, यहाँ पे फोटो खिंचवा देते हैं, और उसके बाद इससे 60 रुपये लेके दोनों जाके पार्टी, ये रहा ये वाला, ये वही प्लेन है जो कि बहुत सारे लोगों का पोपट बनाया हुआ है, और लोकल में रहने वाले जो मोस्टली बच्चे हैं, और इसलिए छोटे छोटे होते प्लेन देखना है, बहुत दिनों से है। ये प्लेन के बारे में बताया जाता है कि ये अभिनंदन जब पाकिस्तान गया था वही वाला प्लेन है, जिसके कारण ये इसको यहाँ पे लगा दिया गया। अब बाकी इसके बारे में हमार भाई बता देंगे आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने फैमिलियर एक मेरा एक्सरसाइज था, इसको किया हुआ था, बहुत बेहतरीन था, ठंडी के दिनों बनाया था मैं, आई थिंक मुझे याद है जनवरी या ये रहा, ये वही वाला है अभिनंदन वाला, वो इसको लॉक कर दिया इन्होंने, जब मैं बना रहा था जब इसकी फिल्मिंग कर रहा था ना, तो ये पूरा खुला हुआ था, और फिल्म शॉट था, वो मेरे पास है क्लिप, अगर उसको मैं ऐड ऑन कर पाऊँ तो करूँगा, मैं उसको लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसका पूरे का पूरा कॉपीराइट मिल रहा है, ये भी खुला हुआ था, हाँ ये तो खुला ही हुआ है, इसमें छिपकिले दिख रहा है, पूरा मैं जब फिल्मिंग किया था तो एक एक पार्ट को किया था, बहुत बेहतरीन आया था ना, बहुत बढ़िया सिनेमेटिक शॉट वगैरह आया था, बंद कर देते हैं, आप लोग भी आइएगा तो ये देख के दीजिएगा, ये भी खुला हुआ था पूरा, और इसका भी हमने शॉट लिया हुआ था, मैं कोशिश करूँगा वो वाली वीडियो यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए, ये सारी चीज़ यहाँ पर अभी अंदर से हम लोगों ने लिया हुआ था, और ये भी करा था, ये सब चल नहीं रहा है, हाँ ये भी करा था, ये भी अच्छे से करा हुआ था, लेकिन गाँव ये खुला हुआ था हमारा, हाँ संस्कृत वाला है, संस्कृत के पीछे से यहाँ पे कट लगाएंगे थोड़ी देर, चलेंगे लोगों की तरफ, वहाँ पे अपना क्या है मैगी पॉइंट है ना, हाँ मैगी पॉइंट है, एमएमए के और लॉ और एक और सुट्टा पॉइंट जहाँ से आता है, हाँ चलो ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वीडियो लंबी हो गई क्या? 8 मिनट की होगी, तो एक काम करके 10 मिनट की इसको रखते हैं, फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे, अभी चलो कंटिन्यू रखो, बंद नहीं क्यों ना, नहीं ये गेट नंबर 3 है या 2 है, 2 है शायद, ये है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है,
जब अगर 1 बजे तक जाकर होती है 1:15 में यहाँ पे आ सकते हैं। जो भी हो देख लो यार, गेट है सामने से आ जाना। यहाँ पे शायद पढ़ाई लिखाई नहीं होती है ना? कुछ नहीं होता है, कहते हैं प्रिंट करते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं। फिर से वहीं पर आ गए हम लोग जहाँ से शुरू किए थे, तो इसको हम लोग आई थिंक यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दूसरा जो है दूसरे ब्लॉग में पार्ट टू में हम लोग करेंगे जामिया के लॉ डिपार्टमेंट और मैगी पॉइंट अपना और क्या था वहाँ सुट्टा एक और कोई डिपार्टमेंट है IR IR वाला जहाँ से उज़्बेक वगैरह भी होता है वो सारी चीज़ें। अच्छा उज़्बेक से मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त जो है अभी जा रहा है उज़्बेकिस्तान, है ना, 2-3 दिनों में उसकी फ्लाइट है, उसका पूरा वीज़ा वगैरह आ गया है ना। और फिर तो एक अरबिक कल्चर भी है ना वहाँ पे। हाँ तो वो सब उसी में आएगा यार, सारी MMAJ में वो सारी चीज़ें आएगा। और उसके बाद में एक दिन चलेंगे इंशाअल्लाह की तरफ डायरेक्टिंग वाली स्टूडियो और सारी चीज़ों को करेंगे। और 7 नंबर में भी बहुत सारी चीज़ें उसको भी करेंगे, गेट नंबर 22 के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें उसको भी करेंगे। और भी कुछ है क्या इधर जामिया में? कुल कितने गेट है? कहने को तो 23-24 गेट हैं। अच्छा इसमें से 17 नंबर को आई थिंक वो कवर नहीं करने देंगे, स्कूल वाला है। 18 नंबर कर सकते हैं वहाँ पर, है स्ट्रक्चर वगैरह, पेंटिंग वगैरह जो फाइन आर्ट से रिलेटेड थे उसको हम कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छी चीज़ें देखने के लिए उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, पूरा सीरीज रहेगा अपना। और उसके बाद में जामिया आयोग 1 महीने के अंदर में ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 महीने के बाद में कौन सा महीना आ जाएगा? ये नवंबर। ठीक है तो नवंबर, मिड नवंबर तक कुछ और करेंगे, जैसे यहाँ पर जंगल वगैरह। हाँ जंगल, फिर JNU का टूर करेंगे। दूसरी जगह नहीं जाना मुझे, नवंबर के बाद में जो है बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ, फिर उनका क्लास वगैरह जो भी है मामला सब टैकल करना होता है। नवंबर तक इंजॉय कीजिए आप लोग, फिलहाल जो लोग एंड करते हैं वीडियो। अगर आप लोग अच्छी लगी, अगर चाहते इस तरीके से और लोग आप सामने या और सीरीज इस तरीके की आनी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करना। और आप अपने जामिया वाले बच्चों के साथ में या अपने जामिया वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का स्टेटस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगना चाहिए तो यूनिप्रेप आपको इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिएगा।